श्रीदेवी जी की सुपर डुपर फिल्म नगीना, जिस फिल्म के लोग आज भी दीवाने हैं, और इस फिल्म के इतने सालों बाद भी लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। तो आज की इस वीडियो में इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक बातों को जानेंगे, जिसमें श्रीदेवी जी ने न जाने कितना स्ट्रगल किया और इसके बावजूद उनको तब जाके इतनी बड़ी सक्सेस हासिल हो पाई है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नगीना फिल्म 20 नवंबर 1986 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन हरमेश मल्होत्रा जी ने किया था। इसके अलावा हरमेश मल्होत्रा जी ने प्रोड्यूस भी इस फिल्म को किया था। फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर, अमरेश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। नगीना 1986 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉलीवुड फिल्म रही थी। उस साल की पहले नंबर पर थी सुभाष घई द्वारा डायरेक्ट कर्मा फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार, नूतन, श्रीदेवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग लीड रोल में थे। नगीना फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे। स्पेशल गाना ये यह उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मिलकर कंपोज किया था। फिल्म रिलीज होने के पहले कुछ हेटर्स का कहना था कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि फ्लॉप जाएगी, क्योंकि उस दौरान फैमिली फिल्मों का क्रेज ज्यादा था और इस तरह की फिल्में लोगों को शायद ही पसंद आए या फिर नहीं पसंद आएंगी। लेकिन रिलीज होने के बाद यह फिल्म उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर साबित हुई थी और दर्शकों ने भी इस फिल्म को खूब सराहना दी थी। नगीना की सफलता के बाद साल 1989 में निगाहें नाम से एक फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी जी के अलावा सनी देओल जी को लीड रोल में देखा गया था और नेगेटिव रोल अनुपम खेर जी नजर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के सीक्वल निगाहें के बाद निर्माताओं ने फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह फिल्म हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। तीसरे पार्ट का नाम नगमे रखा गया था। नगीना फिल्म में श्रीदेवी से पहले जयाप्रदा जी को कास्ट किया गया था, लेकिन इस फिल्म को जयाप्रदा जी ने करने से मना कर दिया था, क्योंकि श्रीदेवी जी ने असली सांपों के साथ इस फिल्म में स्टंट किया था और जयाप्रदा जी को सांपों से डर लगता था और इसी कारण इन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। फिल्म का डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में उस समय के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीत को अपनी फिल्म में लिया करते थे, लेकिन उस वक्त वो फिल्मों से संन्यास ले चुके थे। इसीलिए इस फिल्म में अजीत जी को ऋषि कपूर जी के स्वर्गीय पिता के तौर पर दिखाया गया था और कई सीन में उनकी फोटो को भी देखा गया या फिर देखने को मिलती है। श्रीदेवी जी ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि मैं तेरी दुश्मन गाने का डांस उनका फेवरेट था और इस गाने की शूटिंग फिल्म के शूटिंग के सबसे आखिर में हुई थी और इस गाने के शूटिंग के लिए कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी जी को डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा जी ने सुबह 7 बजे बुलाया था, लेकिन ये लोग 6:30 बजे पहुंच गए थे। पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने फिल्म नगीना को 10 में से 6.6 की जबरदस्त रेटिंग दी थी और इस फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए श्रीदेवी जी को फिल्म फेयर की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। बहरहाल आपको ये फिल्म और ये अभिनेत्री आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, धन्यवाद।